राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा नगर निगम का फर्जीवाड़ा आया मीडिया के पास। मीडिया ने ताजगंज में जांच पड़ताल की तो नगर निगम का फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया है। ताजगंज वार्ड के 57 और वार्ड 78 में SFI नया बिस्ट की मिली भगत से फर्जी नगर निगम सुपरवाइजर कर रहे हैं घोटाला। नगर निगम आगरा के ताजगंज वार्ड में नगर आयुक्त के आदेशों की अनदेखी में सेवा में शुल्क को लेकर SFI ने बनाया संविदा सफाई कर्मचारियों को सुपरवाइजर। मीडिया के पास संविदा कर्मचारियों के सभी डॉक्यूमेंट की कॉपियां मौजूद हैं। उस कॉपी में साथ दिखाया गया है कि सचिन और रवि और अजय चंचल संविदा कर्मचारी हैं, बल्कि हमने जब जाकर पड़ताल की तो अब वे सुपरवाइजर के पद पर देखने को मिले हैं। मीडिया ने जब वहाँ की SFI में बिस्ट से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने मीडिया से साथ मिलने से इनकार कर दिया और ना ही मीडिया कर्मी का फ़ोन उठाया। SFI ने नेहा बिस्ट निगम अधिकारियों की नाक के नीचे कर रही हैं बड़ा घोटाला। जब हमने वार्ड 78 और 97 में वहाँ की कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने अपनी दुख की पीड़ा मीडिया कर्मियों को बताई और कहा जो संविदा कर्मचारियों के पद पर तैनात हैं वह सुपरवाइजर का चार्ज संभाल रहे हैं और वह उन लोगों को प्रतिदिन परेशान करते हैं। हमने जब प्राइवेट कंपनी के लोग भी मिले तो पवन नाम का सुपरवाइजर उनसे कहता है कि 1000 रुपये मुझे चाहिए, जब मैं यहाँ पर तुम्हें काम करने दूंगा। योगी सरकार में एक बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि किसी भी तरह का घोटाला फर्जीवाड़ा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आगरा के अधिकारियों के नाक के नीचे ये खेल चल रहा है, जबकि हाल ही में चार्ज संभाला नवयुक्त नगर आयुक्त टीकाराम खोड़े का भी दावा है कि नगर निगम में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पर उनकी नाक के नीचे ताजगंज वार्ड में सुपरवाइजर का घोटाला सामने आया है। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आगरा से। क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या, यहाँ पे कूड़ा नहीं डालने देते हमको ये सरकारी कर्मचारी जो हैं। राज बहादुर, पता नहीं क्या नाम है, लोगों का नाम तो नहीं जानता हूँ। ये कहते हैं यहाँ पे कचरा नहीं डालेगा, यहाँ पे डालोगे तो हम डालने नहीं देंगे, चाहे कहीं पे भी ले जाओ। हमें प्राइवेट आदमी, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ पे कहाँ से खाएंगे? पैसे मांगते सभी से, अब इतना 1000-1500 जूता दो तो दो। हाँ, यहाँ पे कम से कम 30-35 लोग। हाँ, पैसा दिया है अभी तक किसी ने नहीं दिया। ऐसी यही तो लड़ाई होती है यहाँ पे डेली ना की। अच्छा। हर त्यौहार पे, त्यौहार को हमको मिलता है 10-20-50 रुपये हमको मिल जाता है पेट के लिए। हर त्यौहार पे नाटक करते हैं, हर त्यौहार से यहाँ से गाड़ी हटा देते हैं। यहाँ पे डिब्बा रखा जाता था 2 फुटे पे, वो भी इन्होंने हटा दिया। गाड़ी लगा दी है कचरे की, अभी किसी से नहीं बोला सर। क्या किससे बोले? ये तो हर एक जिसके पास जाते हैं वो यही कहता है कि हम क्या करें। अरे हर साल यही होता है यहाँ पे, हर साल का ड्रामा ही, हर साल का ड्रामा हो गया यहाँ पे। मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, कब से आप सुपरवाइजर के पद पर देख रहे हैं? जी 7 साल हो गए मेरे। तो आप तो संविदा कर्मचारी के पद पर सुपरवाइजर? नहीं, मैं स्थाई कर्मचारी के पद पर हूँ। संविदा ने सुपरवाइजर किसने बना दिया जी? यहाँ पर एक इंद्रपुरम बीट है जो काफ़ी लंबे समय से खाली चल रही थी, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था और यहाँ से शिकायतें ज़्यादा पहुँचती थी सफाई के हिसाब से। तो यहाँ एक नई बीट बना करके सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए वो बीट बनाई गई। किसने बनाया? जी राजीव बालियान साहब। आज भी आप कर्मचारी का आपकी लेते हो? जी मैं लेता हूँ। और इनको बिल वगैरह जी, मतलब सैलरी वगैरह कैसे बनती है? सैलरी तो नगर निगम से बनती है। नगर निगम से बनती है जी। सैलरी दे रहे हो जी? सैलरी कब तक मिलेगी? ये तो 14 साल हो गए हैं इनको। कर रहे हैं आपकी बीट में जी? मेरे बीट में 10 लोग हैं। 10 लोग राजीव बालियान ने कहा जी? जी नीचे से देख रेख में काम होता है यहाँ पर? नहीं, वो तो अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं यहाँ। आप किसकी देख रेख में काम हो रहा है अब? नेहा श्रीमती नेहा बिस्ट जी है। उनकी देख रेख है भाई जी, उनके संज्ञान में है जी। जी क्या कौन होता है? मैटगिरी करता हूँ। मैटगिरी करते हो? कब से कर रहे हैं? 2015-16 से। सुपरवाइजर को नहीं आता? अच्छा, तो वो तो संविदा कर्मचारी है ना, तो सुपरवाइजर के पास कैसे उनका?
यहाँ पर सुपरवाइजरों की कमी है, तो फर्जी तरीके से सुपरवाइजर का काम सविता कर्मचारी एक ही हो सुपरवाइजर के पास है उनके पास कैसे काम कर रहे हैं ये तो पता करना है। किसके कहने पर आपका ये काम कर रहे हैं सुपरवाइजर का भाई? यहाँ पे जब कमी है सुपरवाइजरों की तभी तो हम लोग काम बताया गया। नगर निगम का ऑर्डर मिल रहे क्या? नगर निगम पे ऑर्डर नहीं मिले। फिर कैसे काम कर रहे हो आप लोग यहाँ पर? क्या करें जैसे हमें ऑर्डर तक नहीं मिले, लेकिन सफाई कर्मचारी हो सविता तो सफाई करो ना, सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो आप लोग सुपरवाइजरों की कमी है यहाँ पे बहुत सुपरवाइजर नहीं है। अभी सुपरवाइजर है मीन्स ये सुपरवाइजरों की कमी है तो जब तो सचिन को दिया गया है। किसने दिया सचिन को? बालियान साहब थे बहुत पुराने पहले दिया है। राजीव बालियान? राजीव बालियान बहुत पुराने। अब तो वो एहतमपुर में है। कानपुर? एहतमपुर में है वो। कानपुर राजीव बालियान बात कर रहा हूँ अभी।